सारी तरीके का ये टैंक है जिसमें ये वाला या इनलेट वाला पाइप है, ये इनलेट वाला पाइप है। यहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल जो भी है, वेस्ट वाटर, वेस्ट सॉलिड वगैरह आएगा, तो सॉलिड आपका इसमें नीचे बैठेगा, ऊपर पानी रहेगा। ज्यादातर केस में यही होता है, होता है थोड़ा बहुत सॉलिड है, वेस्ट आपका इधर भी आ सकता है। इसके लिए अपन ने ये जो पाइप रखा है इसका लेवल इससे डाउन रखा है ताकि इधर का मटेरियल जो भी है वो इधर, थोड़ा बहुत मटेरियल इसमें आएगा, ज्यादातर वाटर होगा इसमें। और फिर वाटर क्योंकि ये स्लोप नीचे है इसका, तो ये कॉर्नर से धीरे धीरे पानी इसमें आएगा। तो इसमें खाली जो थर्ड चैम्बर है आपका, थर्ड चैम्बर है, थर्ड चैम्बर में आपका यहां से पानी ही रहेगा केवल। तो पानी के लिए ये लेवल पे ये वाला जो पाइप रहेगा वो इसके लेवल से नीचे रहेगा, इसके लेवल से नीचे रहेगा। तो यहां से पानी सीधा आपका सोक पिट में जाएगा। और ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप और ये वाले पाइप के बीच में लगभग आपका दो 1.5 फिट का गैप रहेगा, 1.5 फिट नीचे ये वाला पाइप आपका रहेगा। और बाकी ये सोक पिट है, सोक पिट ये आपका 4 फिट डाया का अपन ने सोक पिट बनाया है, जिसमें अपन प्लास्टर वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल ब्रेक वॉल रखेंगे। बीच बीच में जो ब्रेक है उसके बीच में, ज्वाइंट के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, मसाला कम भरेंगे लेकिन थोड़ा सा गैप रहेगा ताकि पानी इससे बाहर भी जा सके। दूसरी चीज, इसमें प्रॉपर मटेरियल अपन डालेंगे, जैसे ब्रोकन ब्रिक वॉल और ये छोटे छोटे पत्थर बालू वगैरह इस टाइप से, ताकि पानी है ना इसी में जाए, इसी में ही वो एब्जॉर्ब हो जाए, पानी बाहर ना जाए। कोशिश हमारी यही है, इस तरीके से ही काम होगा यहाँ पे। और ये का जो गैप होगा लगभग लगभग 6 फिट नीचे जाएगा, ये 6 फिट के आसपास, 5 से 6 फिट इसकी डेप्थ रहेगी तो की। और ये 4 इंची पाइप रहेगा जिससे पानी यहाँ आएगा आपका। ये है इस तरीके का है। और ये जैसे दूसरा वाला हम आपको दिखा देते हैं, ये इस तरीके का है, तरीके का ये रहेगा। इस तरीके का ये रहेगा और ये तीसरा वाला जो आपका कवर लगा के है, दो मेन होल आएंगे, दो दो बाई दो के दो मेन होल आएंगे। तो अपन को इस तरीके से ये मेन होल के बीच में यहां से गैप रहेगा, 1-1 इंच का गैप रहेगा चारों तरफ से, ताकि आप इसको आसानी से खोल वगैरह सकें। इसमें अपन ने यहाँ पर ये लगाए हुए हैं, ये यहाँ पे लगाए ताकि आप इसको आसानी से पकड़ सकें।